महारानी नूना दे, महारानी नूना। बिजली जैसा करंट लागे, नूना दे, प्रिय नूना दे। बड़े गुस्से में, क्या हो गया है ऐसा? किसने सताया है? क्या बात है, क्या माजरा है? हमारे सामने खुल के कहिए। खुल के कहूं क्या बात है? हाँ, मेरी आंखों के सामने से चले जाइए, मुझे आपकी सूरत अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल। मेरी सूरत अच्छी नहीं? मेरी सूरत? हाँ, आपकी सूरत। मेरी सूरत? तेरी सूरत? तेरी सूरत? तेरी, तेरी सूरत। मैं राजा हूँ, तू कैसे बात कर रही है? राजा है तू, नाम नाम का। मुझे तेरे राजा से और तेरे राजपाट से कोई मतलब नहीं है। क्या कोई सम्मान सूचक शब्द तेरे पास नहीं रहा अपने पति के लिए? तेरे लिए तो कुछ भी नहीं रहा। एरी दादी बता, ऐसे बोले है, इसने शर्म आनी चाहिए कि नहीं? वो दादी न्यूके न्यूके बजा दे इसे। वो दादी जब दुख भरी कहानी सुनेगी ना, रो उठेगी तू। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? अरे के हो गया, रोवे क्यों है? तेरा हट्टा कट्टा पति तेरे सामने खड़ा है, एक राजा तेरे सामने खड़ा है। तू चुप रह, हट्टे कट्टे को भवंत बाहर लिकड़, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मुझ पे बिल्कुल भी। तुम्हारे जिर्रम जिर्रम ये तो फटे हुए हैं, बेकार बिल्कुल। सिर के बाल भी खुले हुए हैं। अरे ये तो चोट लगी हुई है, चूड़िया यहां तक हाथ भरा हुआ था, इसमें तो चूड़ी है ही नहीं, उतार दी सारी, बेकार हो गई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फूट गई, तोड़ दिए या तोड़ी गई हैं? तोड़ी गई है जबरदस्ती। किसी ने आके ये कहा है कि उस बुड्ढे के नाम की चूड़ियों को तोड़ फेंक। आज कभी चला जा, मुझ पे खड़ा नहीं हुआ जा, तू जा यहां से जा, मेरे बस की नहीं है खड़ा। एक बार को भवन से बाहर निकल, रंग महल में चाल, और सुन मेरे पैर दबा, सेवा कर, थोड़े हाथ दबा, पैर दबा। तेरा गला ना दबा दूं बुड्ढे कहीं के? पैर दबा, हाथ दबा, पैर दबा, तेरी नौकरानी हूं, दबा ले पैर। नौकरानी नहीं तो रानी तो है। रानी हूं और रानियां पैर नहीं दबाती। गुस्से में मत आ रानी, हाथ मत लगा मुझे, तो सड़े सड़े पड़े से हाथ लगा रहा है बार बार। ओए होए होए, रई उठ क्यों तले पड़ी मेरी ना, इतना छेड़े भरतार। तेरे को ना छेड़ू? छेड़ मत, दूर हो जा इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं, भग जा तू। हाँ मैं। तू मारेगी मुझे? हाँ मारूंगी तुझे। औरत है या डायन है? इस वक्त तो तू मुझे कुछ भी समझ ले, औरत औरत कुछ भी नहीं हूँ इस टाइम में। या कोई चांद डालनी है? हाँ वो ही हूँ। भूतनी पिचासनी? हाँ हूँ। डंकनी डायन? हाँ। अरे तेरा सारा गुस्सा दूर कर दूंगा, एक रंग महल में चल। नहीं चलूंगी। रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरे तार, तेरे बोलिया ना चाहती पड़ी मेरी नारे।
सब जानू ये डटी शर्म तेरी से इसी के खता हुई मेरी से अब तक डटी शर्म तेरी से मैं अपने घरां दे घरे जाती इसा किसने इसा किसने के कह दिया रे डहन तू रो रो डकराती ऊट को अरे पड़ी मेरी नाल छेड़े भरता राजा जी कह के संबोधित कर अच्छा क्यों महाराज कह के संबोधित कर पिया जी कह के संबोधित कर है तू पिया जी लाया बुढ़ा मत कहे बुढ़ा ही है तू नहीं है तू बुढ़ा और बुढ़ा ही कहूंगी ना तो इतनी सी भी जीना लगाऊं तुझ पे जो हो कर तेरे माँ बाप ने कोई शिक्षा नहीं दी तुझे अच्छी दी है नहीं दी अच्छा दी है सुन यू कया करते हैं यो बड़े बुजुर्ग बैठे अक मरद का और बड़द का बड़द तो समझते होंगे बैल मरद का और बड़द का इनका तो रानी 100 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ता इन्हें तो खुराक दिए जा और काम लिए जा कितना हाँ सही कह रहा है तू ये बुड्ढे नहीं होते कभी बात सही है लेकिन तू उन मर्दों में से नहीं है अच्छा ये हंसी आवे है तो नहीं तुझे देख तेरे डायलॉग सुन के हंसी आ रही है तू कह क्या रहा है ले तो जोश जुनून और जज्बा देख ले इस मर्द के लगानी पड़ेगी तू रुक जा मार देता ढोलक वाले को भी दिख रहा है तुझे वैसे ही तू लुचर पुचर सा हो रहा है टूट टार जाएगा कहीं से रुक जा अरे बाग बगीचा रा बाग बगीचे हाँ बाग बगीचे अताल बाबड़ी सब तेरी जाजात यो रानी ये सब तेरी जाजात तेरे बोलिया ने सुन सुन पड़ेगी छाती के हमारा जड़े सब तेरी जाजा दे तर बोलिया ने सुन सुन पड़गी छाती के मरा जड़े छाती के मरा ओ तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो घर गाम शहर सारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो घर गाम शहर थारा से अरे ना कोई मेरा साथी चाहे घर में क्या चाहे घर में जूत मार ले बाहर में उठ जो बड़ पड़ी मेरी नार मने मते छेड़ भरतारे
महारानी, अगर कोई दुख तकलीफ है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई संकट आ गया है, संकट अपने हरियाणा में संकट बहुत आवे, हनुमान जी जू का हनुमान जी संकट दूर करे, ते हनुमान जी ते तेरा संकट दूर करवा दूं। हाथ मत लगा, दूर रह, दूर दूर जाके बात कर। चुप, तू चुप। छाती पे चढ़ के बात करेगी? हाँ। एरी दादी, ताली बजाने की जरूरत नहीं, ऐसी लुगाई ठीक नहीं होती जो अपने पति। ताई, ऐसा लोग ठीक होता है जो बुढ़ापे में जवान लड़की से शादी कर लाया, ऐसा ठीक होता है। मैं ना करके लाया, इसके बाप की इसी तीसी हुई थी। तू करके लाया था, तू तुझे और करके ले आया तो क्या हो गया? मेरे तो दो ही हैं इस पार्टी में, कई ऐसे आदमी हैं जिनके कई कई हैं। हाँ तो वो है, रखने लायक हिम्मत है, लेकिन तू उनमें से नहीं है, पहले ही बोला था। चुप हो जा, अगर कोई दिक्कत है तो इसमें भी तेरी गलती है। क्षेत्रपाल तोमर, क्या गलती है मेरी? थोड़ा राजा के साथ मेहनत कर, बादाम छुआरे और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट दे तुझे। अब तुझ पे किसी प्रोडक्ट का कोई असर होने वाला नहीं है, तेरी कैपेसिटी खत्म हो गई खाने पीने की। अच्छा, हाँ। अरे न्यारे न्यारे, ओए ओए, ओरे न्यारे न्यारे बैठ गए, ओ न्यारे न्यारे बैठ गए, इस बंदर से गिर के, इस बंदर से गिर के। अरे न्यूते में भी, न्यूते में भी जान गई पेंडा, छूटेगा मर के मेरा पेट, छूटेगा मर के। ध्यान होना चाहिए कि मन महेंद्रगढ़ जाना है। मैं इतने गुस्से में मत रहे, वो रन्या रे रन्या रे बैठ के, किस बंदर से घिर के, किस बंदर से घिर के। न्यूते में भी जानू यो पेंडा, छूटेगा मर के जबे, छूटेगा मर के। वो कुछ करके जो बैठ समाई, सारी खोल दूंगी, मेरी जुबान मत खुलवा। क्या थारी दोनों आंखी न बनू लुगाई। क्या कहा? दोनों आंखी न बनू। हाँ, क्या कहा? सही कहा। क्या कहा? दो दो की लुगाई मैं नहीं बन सकती। इस राज के अंदर नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कौन मर्द पैदा हो गया जो तुझे लुगाई बनाना चाहता है? सबसे बड़ा मर्द तो तू है, लेकिन तेरा और एक ये दिख रहा है तुझे, तेरा पूरनमल जिसे तू भगत बता रहा था, ये इसने आज मेरे साथ वो हरकत की है जो कोई अपनी माँ के साथ कर नहीं सकता। भाई दादा, धरती और आसमान डोल गए। भाई साहब, धरती और आसमान डोल गए, या न्याय पंच अगर बैठे हो, ये 12 साल का बालक और ये 32 साल की सांडनी, ये कोई ऐसी हरकत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सारी जनता जनार्दन मेरा दरबार मने करे है। तू ये दरबारी इतने बढ़िया होते ना तो तुझ बुढ़े के लिए मुझे लेके नहीं आते, ये तब भी सही फैसला करते, इन्हें फैसला करना ही नहीं आ रहा। ये पता नहीं इसने आज मुझसे कैसी कैसी बातें की, मैं बता नहीं सकती। किसी ने सच ही कहा है, अक चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, चोरी जैसा धन नहीं अगर सरकार ना हो तो, और रे लोगों, जुए जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो, भाई के जैसा प्यार नहीं, भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो। अरे ताली बजा देना दादा, बात अच्छी लगे तो। अक भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, बदकार ना हो तो, बदकार ना हो। बदकार मुझसे पहले तू है। जब तेरी अच्छी खासी पहली लुगाई थी तो तुझे सबर नहीं हो रहा था, दूसरी शादी कर लाया। दूसरी करी है? ये राजा की छाती अभी दो और करूंगा। दो और करेगा ना तो पिटेगा, तू पिटेगा। तुझे वैसे पीटने तो मैं ही वाली हूँ, पीटने वाली हूँ, तेरी गर्दन मरोड़ने वाली हूँ। दो रहने दे, मैं क्या बोलूँ तुझे, आज मैं मर जाऊंगी। तू दो करना, चार करना, छह करना, लेकिन मैं मर जाऊंगी। मेरा पूरन
मेरा पूरण तो नेक है, फोन नहीं चलाता मेरा पूरण, बल बहुत बढ़िया आदमी, मेरा पूरण तो नेक है, मेरा पूरण तो नेक है, हजारों में नहीं लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक। तो अपने पूरण को अपनी छाती पे धर ले, यहाँ सिर पे बिठा के नाच, मैं जा रही हूँ और मैं मर रही हूँ। हेर कुछ करके जा बैठ समाई, हरी दोनू आकी न बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती, अरे हाथ लगा के देख लियो या शेरी से ताती, उठ दो तड़ पड़ी मेरी जान मने मत रखे हैं जी, इनके रात के समय कौन से ट्रक फंस रहे हैं जो ये फोनों पे लगे हुए हैं? काम चल रहा है जोड़ीवान जी। महाराज आज विपता है मेरे सिर पे, क्या करूं मजबूर हो गया। जब रानी कदर नहीं कर रही जी तो फिर ये कैसे कदर कर लेंगे? इनका व्यापार रुकेगा नहीं भैया, इनका तो अब चलेगा, इनका कोई रोक भी नहीं सकता। दूसरी बात, और तू तो बिल्कुल नहीं, चुप हो जा, मुझे चुप हो जा, गुस्सा मुझे आ रहा है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर पा रहा, करी क्या लेंगे, वो वाली बात हो रही है। और देखो एक और बड़ी बात है भाई, राजेंद्र थानेदार जी दुल्हना से पहले भी 1100 रुपए दिए थे और हमारा तो घर बिगड़ने जा रहा, राजेंद्र स्वाद आ रहा है भाई। तेरी तरह के राजेंद्र साहब पे भी नहीं पकड़े जा रहे, रिटायर्ड थानेदार हो गया, इब नहीं पकड़े किसी को। अच्छा हाँ, इब भगवान का भजन करेगा थानेदार साहब। 1100 रुपए पहले दिए थे और 500 रुपए अब, 1600 रुपए का इनाम दिया भाई साहब का। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ दिल से। और ले थानेदार साहब के 500 रुपए तू ले ले, तू ही ले ले, तुझे ज्यादा जरूरत है इनकी, आज तू ले ले ले, आज तो तू ही ले ले। हरियाणा का आदमी हाजिर जवाब होता है, कैसे होता है दादा? एक आदमी रोहतक में खड़ा और रेहड़ी पे केले बेचे, एक बुड्ढा जा रहा था बीड़ी पीता हुआ, बोला ताऊजी केले ले लो, केले 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का बुड्ढा था हाजिर जवाब था, बोले अरे सुन नून लगा लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन ने जरूरत को ना चलता बने तो ले, तू ही ले ले, तू तू चल हम ले रहे, तू ले ले। बुढ़ापे में जूस पी रानी से टक्कर लेने लायक हो जाएगा बच्चे। महाराज केले मत आप लीजिए, मत रानी साहब को दीजिए, केले डागर साहब के काम आएंगे। हाँ वो सुबह आ गया। श्री लक्ष्मी चंद कहे, श्री लक्ष्मी चंद कहे रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले, मैं ईब खोल के गेरूंगी सर बूंदी के नाले, बूंदी के नाले, अरे लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले, मैं ईब खोल के गेरूंगी सर गुंदी के नाले जड़े, मैं गुंदी के नाले, हटले काले मुंह की नागे, तेरे उस पूरन मल ने आग, हटले काले मुंह की नागे। भाई साहब हंसई क्यों है, बुढ़ापे में ब्याह कर मत लेना, और नहीं तो यही हालत बनेगी जो मेरी बन रही है। वीर सिंह सरपंच जी, रहटले काले मुंह की नागे, तेरे उस
पूरण मल ने आग बाल दी कर के पाती। अरे इसे भगत के दोष धरे तू बाप रूप घात।